हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मौसम बहुत शानदार है, सुबह से बारिश हो रही है और आज मैं थोड़ा फ्री भी हूँ, तो अचानक एक राइड का प्लान बना है। तो आज इस रेनी वेदर में राइड करेंगे और एप्रिलिया SR150 को एनालाइज भी करेंगे कि बारिश और गीली सड़क पर स्कूटर कैसा परफॉर्म करता है। तो अभी मैंने टैंक फुल करा लिया है और अब अपनी राइड को कंटिन्यू करते हैं। मेरा डेस्टिनेशन है एक ढाबा जिस पे हम अक्सर जाते हैं, आपने मेरी पहली वीडियोस में भी देखा होगा। ढाबा मेरे घर से तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड। तो दोस्तों, अभी मैं हाईवे पर आ गया हूँ और बारिश भी तेज़ हो गई है। अभी तक मैंने एनालाइज़ किया है कि स्कूटर सीधा चलने में तो बिल्कुल सही ग्रिप दे रहा है, ब्रेकिंग भी अच्छी फील हो रही है, पर स्कूटर जैसे ही थोड़ा झुकता है, यानी जब कट लेते हैं ट्रैफिक में, तो या कोई लंबा मोड़ आता है जहाँ थोड़े स्कूटर झुकता है, वहाँ ग्रिप थोड़ी कम महसूस हो रही है। जो अगला पहिया है वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं देता जितना सूखी रोड्स पर देता है। अगर आप गीली सड़क पर थोड़ा एग्रेसिव चलाना चाहेंगे तो थोड़ी सावधानी बरतनी ज़रूरी है। इसके टायर्स बेसिकली रेसिंग टायर्स हैं जिनमें वेट ग्रिप थोड़ी कम ही रहती है, पर सीधा चलने में और ब्रेकिंग के मामले में स्कूटर हर मौसम में बेहिसाब है। तो अभी मैं एक्सप्रेस वे पर आ गया हूँ। अब यहाँ स्कूटर को तेज़ दौड़ाने का टाइम आ गया है, पर उससे पहले ब्रेक्स को थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ मैं स्टॉपिंग टाइम चेक करने की कोशिश करूँगा कि कितने सेकंड्स में स्कूटर 100, 60 और 40 किलोमीटर की स्पीड से ज़ीरो की स्पीड पर आता है। पर पहले पीछे देख लेना ज़रूरी है, कहीं कोई आता नहीं रहा है। ओके, खाली है। तो दोस्तों, आपने देखा गीली सड़क पर भी स्कूटर की ब्रेकिंग शानदार है। ऐसे ही नहीं, इसको एक प्योर परफॉर्मेंस स्कूटर कहा जाता है।
ऐसी ब्रेकिंग इनफैक्ट आपको कुछ 200 से 300 सीसी बाइक्स में भी नहीं मिलेगी। तो अभी तक फ्रेंड्स मैंने एनालाइज किया कि स्कूटर गीली सड़क पर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, बस डायरेक्शन चेंज करने में अगला टायर थोड़ा ग्रिप लूज कर रहा है, पर इतना मैनेजेबल है। कुल मिलाकर बारिश के मौसम में भी स्कूटर अपनी परफॉर्मेंस में पास ही होता दिख रहा है। तो दोस्तों भागने में तो इस स्कूटर का जवाब ही नहीं है। अभी आपने देखा मैं लगातार इसको 100 की स्पीड पे चला रहा हूँ, पर फिर भी स्कूटर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल स्टेबल है, स्मूथ है, कोई ओवरहीटिंग का इशू भी इसमें नहीं आता है। मैंने पहले भी इसको 50-60 किलोमीटर तक लगातार 100 की स्पीड पर चलाया हुआ है, तब भी स्कूटर ने कोई दिक्कत नहीं दिखाई थी। तो कुल मिलाकर भागने में तो इस स्कूटर का कोई मुकाबला है ही नहीं। तो दोस्तों चाय बढ़िया थी और अब वापस घर चलने का टाइम है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन हिट करना ना भूलें, और सबसे ज़रूरी बात मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपको और भी आगे अच्छी अच्छी वीडियोस, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दिखाता रहूं। सो फ्रेंड्स टाइम टू से बाय बाय, हैव अ गुड डे।